हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि साइकिल यात्रा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो लो लाइव देखिए कि मैं इसमें एक गांव से निकला हूँ। मैं इसमें हूँ उत्तर प्रदेश जिला बहराइच के क्षेत्र में, और यहाँ से मैंने साइकिल यात्रा स्टार्ट किया है। और हम जा रहे हैं अयोध्या नगरी, राम जी के भवन की तरफ। हमने साइकिल यात्रा तय किया है आज, और इसी तरीके से 2 से 3 दिन लगेगा, और आपको 2 से 3 दिन में वहाँ तक पहुँच कर दिखाएंगे किस तरीके से पहुँचा जाता है। और दोस्तों, हम साइकिल के आनंद लेते हुए, ना भैया कोई तेल का खर्चा है इसमें, और ना ही किसी ग्रीसिंग का खर्चा है। जितना ही मेहनत करोगे उतना ही आगे आपको ले जाएगी, विदाउट मनी और विड्रॉल पेट्रोल। जितनी मेहनत उतनी भगान, है ना। तो नए वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ का रौनक। छोटा छोटा सा मड़ैया छा रखा है, बाकी चारों तरफ आपको खेती खेत दिखेगा। कहीं कहीं मकान भी बने हैं, कहीं कहीं लकड़ का भी काम हो रहा है। और इसी तरीके से हम आपको पूरा लाइव दिखाते हुए चलेंगे। हमारा स्टार्टिंग भी एक छोटा सा है, इसका भी एक ब्लॉग चैनल है न्यू एक के नाम से, और न्यू एक के नाम से है। और इनको भी कमेंट करते हैं तो उसमें श्री मिश्रा जी लिख के आता है, तो इनको भी आप लोग फॉलो करना। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसी तरीके से नई वीडियो के साथ आज फिर आया हूँ। और तीसरे दिन हम आपको अयोध्या नगरी पहुँचाएंगे साइकिल के द्वारा। किस तरीके से चलना है ये मैं आपको लाइव दिखाते हुए चलूँगा। सिटी जितनी मर्जी भी हो, अवलोकन करते रहना चाहिए। चलिए और देखिए भाई साहब, गांव का माहौल। तो इस तरीके से हमने बनाया था, एक ब्लॉग और बनाया था, तो वो ब्लॉग ज़्यादा चल नहीं पाया, इसलिए हमने आज फिर एक नया ब्लॉग बनाया है। और देखते रहिए माहौल यहाँ का। आप लोग अगर गांव से होंगे तो जरूर ऐसे माहौल को देखा होगा आप लोगों ने। देखिए कुछ नहीं है भाई, पीछे पूरा रोड ही रोड दिख रहा है ना। कहीं छोटा मोटा घर बन रहा है, कहीं घर की तैयारी हो रही है, कहीं गन्ने लगे हुए हैं, देखिए गन्ने लगे हैं, कहीं केले के पेड़ लगे हैं। तो इसी तरीके से चलता है और कुछ नहीं है। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अगर आप लोग गांव से होंगे तो ऐसी वीडियो को जरूर देखना पसंद करेंगे। तो आप लोग देखा कीजिए, नई नई वीडियो में आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी गंदी चीज़ डालता नहीं अपने ब्लॉग में। जो भी डालना भाई, अच्छी वीडियो डालो जब भी चलेगी, उल्टी सीधी वीडियो आप लोग डालते हो, इसलिए आप लोगों का ब्लॉग चलता नहीं है। तो अच्छा अच्छा वीडियो बना के डालिएगा, लोग पसंद भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे। भाई बाकी मैं तो खुला करता हूँ हर किसी को कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है जब भी लाइक किया करो, नहीं तो वीडियो देख कर इग्नोर कर दिया करो। ये देखो ये बांस की खेती है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। हमने एक ब्लॉगिंग किया था और तो उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने वीडियो बनाया था। वो वीडियो बहुत अच्छा है, वो वीडियो हमारा रिलीज होगा 16 तारीख को। आज जैसे कि आज कितनी तारीख है, आज 14 तारीख है। 2 दिन के बाद उस वीडियो को रिलीज करूँगा। उसमें भाई कसम से बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया है मैंने। कहीं पेड़ से कूद रहा हूँ, कहीं छत के ऊपर से कूद रहा हूँ, किसी का पैर भी टूटा, किसी के हाथ पैर में क्रोच आ गई, और कई बंदे ऐसे हैं जो सही सलामत रहेंगे। तो बड़ी रोमांटिक वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। बहुत मेहनत से बनाया भाई, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उस वीडियो को हमने बड़ा प्यार से एडिटिंग करके बनाया है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। ये देखिए गांव की महिलाएं, देखो कैसे किस तरीके से धोती कपड़ा पहन के चलती है। देखो पकड़ के रखा करो ऐसे बालक को, रोड पे छोड़ रखा है। देखा आप लोगों ने, अभी एक हादसा होने से बच गया।
बर्नाविया ब्लॉक ब्लॉक ही नहीं जाता। देखा ना छोटा सा बालक आ गया था रास्ते में, उसको बचाते हुए किसी तरीके से भी निकाला, जबकि हमारे साइकिल में इतनी ब्रेक भी नहीं है यार, नॉर्मल वाली साइकिल है। ब्रेक मारते मारते वो देखो बच्चा वो पीछे आ रहा ना, उसी बच्चे को बचा दिया मैंने। अब चलिए देखते हैं और एक छोटा सा खेत आया है, देखो जो धान काट लेते हैं ना उनको, जो घास बत्ती उनको आग लगा देते हैं, देखो काला काला हो रखा ना, तो इनमें आग लगा दिया है। लेकिन मैं सही में अगर हम ढंग से अगर एडिटिंग कर लेते हैं ना तो उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। बाकी विशेष कर मैं आपको आगे और दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि क्या वहाँ पे हमने दिलाया था, है ना। बिल्कुल भाई छोटा सा वीडियो और हमने देखा, पूरी मार्केट आती है भाई, और पूरी मार्केट इस तरीके से नहीं आती है, मार्केट आती है ब्लॉक में, है ना। देखा छोटी सी मार्केट, और कहीं कहीं देहात में भी दो दो मंजिल के मकान मिलते हैं, जैसे कि ये बजरंग बली का झंडा तो हर गली गली में होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग हनुमान जी को मानते हैं। और देखिए कहीं पाइप बन रही है, कहीं पुलिस बन रहा है, कहीं सपोर्टर बन रहे हैं, कहीं छोटा छोटा मार्केट बना हुआ है, तो उसमें हमने कई मतलब कई चीजें हमने डाली उसमें, और आप लोग जाएंगे तो दिखेगा आप लोगों को, है ना। कहीं दर्जी बैठे हुए हैं, कहीं कुछ बैठा हुआ है, तो मेहनत करने भी बनती है। और बताइए दोस्तों कैसे हैं आप सब, फिर मिलते हैं आपके दोस्तों, मिलते हैं नई ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। कैरियर में डॉल भाई कोई नहीं है, बस सिग्नल चल रही है, जब भी सफर करें साइकिल पे या बाइक पे या कार पे तो हमेशा स्टीयरिंग को पकड़ के रखना चाहिए, जैसे कि आपकी खुद की सेफ्टी हो सके। ओके दोस्तों बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पहुंच गया हूं एक छोटी सी मार्केट से, यहां पे देखते हैं छोटी छोटी दुकान है, देख रहे हो। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए एक छोटा सा बोलूस है और कुछ नहीं है, एक देखो देख रहे हैं।